हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चेतना क्रिएशन। मैं आज आपके लिए कृष्ण जी का झूला लेके आई हूँ। तो इसके लिए हमें ऑरेंज कलर चाहिए। ऑरेंज कलर का ये मैंने एक बंडल लिया है। यहाँ पर मैंने ये कृष्ण जी का झूला लकड़ी का लिया है, ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। एंड मैंने यहाँ पर कुछ मल्टी कलर के बीड्स लिए हैं और बेल लिए हैं। यहाँ पर मैंने दो रिंग ली है 5 इंच की, एंड एज यूजल लाइटर एंड सीजर। तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड सब्सक्राइब के बाद मेरी बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये कॉर्ड को कट करेंगे 1-1 मीटर में। देन इसके 2 कॉर्ड्स लेकर के ये वाली लाइन को हमें डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हम 2 कॉर्ड्स को ये दोनों के क्रॉस करेंगे और साइड के 2 कॉर्ड्स को अलग करके एंड फ्रंट के 2 कॉर्ड्स को अलग करके हम सिंपल नॉट बनाएंगे। इसमें सारे मैंने कॉर्ड्स 1-1 मीटर में कट किए हैं। देन अब हम इसमें बीड्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 कलर के बीड्स लिए हैं, ग्रीन एंड रेड। इन दोनों को कॉर्ड्स को क्रॉस करना है और फिर सिंपल नॉट लगानी है। देखिए, इस तरह से हम इसको फिर से क्रॉस करेंगे और फिर से सिंपल नॉट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 3 नॉट लगा दी है। अब हम इसमें रेड कलर का बीड डाल के फिर से वैसे ही नॉट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर हम फिर बीड डालेंगे ग्रीन कलर का। देन फिर से यहाँ पर सिंपल नॉट बना देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें यही वाली डिज़ाइन को यहाँ तक लेके आना है। इसमें भी हम लोग वही करेंगे,
वन बीट डाल के तीन नॉट बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह हम लोग इस साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दूसरी तरफ भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जो बचे हुए कॉर्ड्स हैं इसको कट करके स्टिक कर देंगे। ये देखिए, इसको अंदर की साइड हम स्टिक कर देंगे। ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों को यहाँ पर रैप करना है। जैसे हमने ये बैक साइड किया है वैसे ही अब हमें यहाँ पर करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 मीटर का कॉर्ड लिया है। इसको हम लोग कट करके यहाँ पर पहले जॉइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर जॉइन करना है और इसको इस तरह से लपेटना है। यहाँ पर 4 या 5 टाइम बार लपेटना है। उसके बाद हम यहाँ बीट डालेंगे। देखिए, अब मैं यहाँ पर बीट डालूंगी। इस तरह से देन फिर से हम इसको लपेटेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह की नॉट भी बना सकते हैं, बट मैं नहीं बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब्सक्राइब के बाद मेरी बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए। ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखिए इस तरह से, देन फिर हम यहाँ पर बीट डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये
रैप करके कंप्लीट किया है। अब इसी तरह हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है ये वाला पोर्शन। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये वन कॉर्ड लिया है 2 मीटर का। इसको हम लोग डबल करेंगे और इस तरह से यहाँ पर क्रॉस करते हुए इसको लपेटना है। ये देखिए इस तरह से। देन अब हम यहाँ पे बीट डालेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पर हम फिर से बीट डालेंगे। आप अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी गैप देके बीट डाल सकते हैं। देन इसको हम कट करके यहीं पे स्टिक कर देंगे। कि देखिए इसी तरह से हमें यहां तक इसे लेके आना है रैप करते हुए। और ये वाला जो कॉर्ड है हमारा इसको हम लोग कट करके यहीं पर स्टिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर डिजाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब वो झूला बनाने के बाद हमें उसकी डोली बनानी है। तो डोली में मैंने यहाँ पर ये 5 इंच की रिंग ली है। इसमें कॉर्ड किस तरह अटैच करने हैं, ये रिंग के नीचे से एक कॉर्ड को निकालना है एंड इस तरफ का जो कॉर्ड है इसको हम लोग इस पे एक बार रैप करेंगे और इस साइड के कॉर्ड को भी रिंग पर हम एक बार रैप करेंगे। तो ये इस तरह से सारे कॉर्ड अटैच होंगे। इस ये वाले हमारे 21 कॉर्ड है 1 1 मीटर। ये वाले 4 कॉर्ड्स लेंगे और इसमें बीट डाल के सिंपल नॉट बनाएंगे।
यहाँ पर ये 3 लाइंस कंप्लीट करी हैं। ये डोली हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसमें ये जो एक और 5 इंच की रिंग है इसको हम लोग नीचे लगा के इसको पैक करेंगे। इसके लिए इसमें पहले हम सारे कॉर्ड्स को डाल लेंगे और इसमें ये कॉर्ड्स को रैप करेंगे। इस तरह से हमें इसमें सारे कॉर्ड्स को रैप करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये रिंग में रैप कर दिया है। मैंने यहाँ पर आपको पहले 5 इंच की रिंग बताई थी नीचे, बट ये मैंने 4 इंच की रिंग लगाई क्योंकि 5 इंच की रिंग में ये कॉर्ड्स अटैच नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी वो रिंग, इसलिए मैंने यहाँ पर ये 4 इंच की रिंग लगाई है। अब हम लोगों को इसमें सबसे बड़ा वाला कॉर्ड लेना है और सारे कॉर्ड को इस तरह रैप करते जाना है, बेस बनाना है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये एक पहला वाला कॉर्ड ले लिया है और इस पे इस तरह से पाइपिंग करते जाना है। जैसे हम टोकरी में बेस बनाते हैं नीचे, वैसे ही हमको इसका बेस बनाना है। इसी तरह हम पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका बेस कंप्लीट किया है। इस तरह से ये टोकरी हमने रेडी कर ली है। देन इसके बाद हमें इन दोनों बीट के बीच में एक डिजाइन बनानी है। तो हमने 3 कॉर्ड्स लिए हैं ऑरेंज कलर के, हाफ हाफ मीटर के। हम यहाँ पे कॉर्ड अटैच करेंगे। इस तरह से हम 2 कॉर्ड्स और अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 कॉर्ड्स अटैच कर लिए हैं। देन ये जो 2 कॉर्ड्स हैं बीच के, इनमें हम रेड कलर का बीट डालेंगे एंड इस तरह से ये सेपरेट कर लेंगे कॉर्ड को। देन ये वाले 2 कॉर्ड्स पे हमें कॉर्ड को पाइपिंग करनी है। 1 कॉर्ड को हम 2 बार पाइपिंग करेंगे। इस तरह से हमें ये कॉर्ड रैप करना है। देन इस साइड भी वही प्रोसेस होगी, ये वाला कॉर्ड लेकर के। एंड देन फ्रेंड्स, ये जो बीच के 2 कॉर्ड्स हैं यहाँ पे हम रेड कलर का बीट डालेंगे इस तरह से। एंड ये वाले 2 कॉर्ड से हम इस तरह पाइपिंग करेंगे। ये वाला फर्स्ट कॉर्ड लेकर के हमें टाइट पाइपिंग करनी है। देन ये वाला कॉर्ड लेकर के इस तरह से पाइपिंग करना है। वही सेम प्रोसेस इस साइड भी। देन फ्रेंड्स, इन दोनों कॉर्ड्स को हम क्रॉस करके नॉट लगा देंगे। देन ये जो 2 कॉर्ड्स हैं इन्हें हम कट करके स्टिक कर देंगे। एंड ये जो बीच के 2 कॉर्ड्स हैं इनमें हम बेल अटैच करेंगे। देखिए, हमने ये वाली बेल यूज की है।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये वाली बेल यूज करी है। अब हम लोगों को इसमें डोली सेट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसमें इसकी डोली में यहाँ पर टांगने के लिए इसको यहाँ पर ये बनाना है। तो इसके लिए हमने ये कॉर्ड लिए हैं 2 1-1 मीटर के। इसको हम लोग डबल करेंगे और यहाँ पर सिंपल नॉट बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पर हम 2 बीट डालेंगे, रेड एंड ग्रीन। ये देखिए यहाँ पर हम लोग रेड कलर का कॉर्ड अटैच कर वो बीट अटैच करेंगे एंड देन सिंपल नॉट बनाएंगे। देन ग्रीन कलर का, देन सिंपल नॉट बनाएंगे। देन अब इसके बाद हमें यहाँ पर 7 नॉट बनानी है। जितनी आपको इसकी डोली नीचे चाहिए उतनी नॉट बढ़ जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये एंड ये जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है हम इन्हें कट करके स्टिक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डोली लगने के बाद अब हमको इसको चलाने के लिए यहाँ पर ये 2 कॉर्ड्स चाहिए। इसको हम लोग इस रिंग में अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसमें ये रिंग को अटैच करेंगे। एंड देन यहाँ पर हमें इन दोनों कॉर्ड्स को सेंटर में करके इसमें सिंपल नॉट बनाना है। देन हम इसमें बीट डालेंगे। देन सिंपल नॉट बनाएंगे।
देन हम यहाँ पर ग्रीन कलर का बीट डालेंगे। देन सिंपल नॉट बना देंगे। वन सिंपल नॉट और बना करके ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ के टू कॉर्ड्स जो हैं वो कट करके अंदर स्टिक कर दिए हैं। देन ये वाले टू कॉर्ड्स में हम लोग ग्रीन कलर की बेल लगाएंगे। इस तरह से ये झूला बनके रेडी है। अगर आपको ये वाला ये जो डिजाइन है इसको नीचे वाली रिंग में बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये झूला हमारा रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक और डिजाइन बनाया है। सेम प्रोसेस है, जिस तरह से हमने ये ऑरेंज कलर का बनाया है उसी तरह से हमने ये वाला भी बनाया है। ये देखिए। एंड फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद साइड में बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिए, हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।